जदों थोड़ा जा औखा समा आवे या मान लो भी तुहाडे गुआंढी को बहुत माया उठदा 9 बजे अमृत भी नहीं छकया बोलदा भी भैड़ा तुसी अमृत भी छकया उठदे भी 5 बजे हो तां भी रोटी वालों टाइट हो उस वेले तरेड़ आउंदी अपने गुरु लई ये कख नहीं करदा इहनू इन्ना कुछ दित्ता मैं अमृत वेले भी उठदा भी इह करदा मैं तां भी टाइट हां ये टाइम होंदे ने तरेड़ आण दे कदी अंदर तरेड़ आ जाए ढिल मठ आ जाए पछानण विच थोड़ी बैगेर लग जाए जेड़ा इलाहाबाद एक जगह है त्रिवेणी इधर तीन नदियां कठिया हुई है उथे माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर जी नूं बचन याद कराया वो तो ही याद कर लिया करो तुहाडी बैटरी चार्ज गुरु तेग बहादुर जी माता जी ने माता नानकी जी ने गुरु हरगोबिंद साहब के महल माता नानकी जी ने झोली अड्डी सी मेरा पुत्र रहिंदी रहे क्योंकि गर्दी गुरु हरगोबिंद साहब तो गुरु हरे साहब को आई फिर महाराज ने ये आख्या नानकी झोली कर उन्हें झोली की थी ते महाराज ने रुमाल पाया कहिंदी इहनू इना इस रुमाल नू की करा कहंदे रुमाल नहीं इस सृष्टि दी चादर है तू कहनी मेरा पुत्र तेग बहादुर इंजी रह जे तेरे बच्चे कोल ए रुमाल उना दी झोली च पा दई तेरे बच्चे कोलो सारी सृष्टि दी चादर बन के पड़दे ढकण दी सेवा लैणगे नर बोले सो निहाल दूजा पाया गुटका साहब महाराज ने गुटका साहब मंगाया हाथ लिखत कहन लगे नानकी कर झोली झोली कीती ते गुरु हरगोबिंद साहब ने गुटका साहब झोली च कहंदी जी ए कहंदे अपनी नूह नूं दे दी नूह कौन होई माता गुजरी जी माता नानकी जी दे नूह ए गुटका साहब ओदी झोली च पा दई ओदे ते बड़े समय औखे सौखे कई तरह दे आने ने ए गुरबाणी दे खजाने नाल जुड़ी रहेगी ते कई कुछ गुजर जाएगा आखो तीजी मंगाई कटार नानकी कर झोली उन्होंने झोली की थी वो कटार जड़ी ने जी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने झोली च पाई कहती इनू की करा ते गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते पोतरे दी झोली च पाई पोतरा कौन धन गुरु गोबिंद कह दो गज के साथ जिन्हों का कल आगमन दिन लंघे 2021 वो जेड़े लफज कहे ना बिच तुहाडे किसे बैक गेयर लगन लगे ना गुआंढी लेट उठदा इन्नी माया मैन इन्ना टाइट रहे साडे घर पानी भी पड़ी जांदी है या कुछ भी होर गल करके आ जाए परेड आ जेड़े बचन गुरु हरगोबिंद साहब साडी भावना बनांदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आखो सतनाम सानू पछाणन दी दात दिंदे उस वेले ये माता नानकी जी ने अपने बेटे गुरु तेग बहादुर जी नूं इलाहाबाद दे कोल त्रिवेणी है जी जिथे तीन नदियां कठिया होंदियां नूं त्रिवेणी कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिक्र भी कीता जब ही जात त्रिवेणी भए उन दान दिन कर तो अपने माता पिता से जिक्र किया भी जदों त्रिवेणी आए इलाहाबाद महाराज ने जिक्र भी किया दसों पातशाह ने अपनी बाणी उत्थे फिर
माता नानक जी ने गुरु तेग बहादुर जी नू याद कराया भी। गुरु हरगोबिंद साहब ने आ कहा सी कटार पोतरे उदो गुरु गोबिंद सिंह आगमन होया नहीं, इशारा तो यह भी कदों वेला आऊगा। आखो साध हाँ लफे सुने गुरु हरगोबिंद साहब के जेडे लफज हूब हू गुरु हरगोबिंद साहब के महल माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर के माता अपने गुरु तेग बहादुर उन्होंने दस रहे भी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी तेरे घर जेड़ा पोतरा होएगा पहला लिखा लफज महाबली, दूजा लफज लिखा धर्म योद्धा, तीजा लफज लिखा धनुष धुरंधर हुंदा भी तीर चलाण विच सारी दुनिया च उन्हां तों उत्ते कोई नहीं होएगा। पिछली वारी सुने सी जी भावें दस दस मील ते बैठा होवे कोई मंजे ते महाराज ने मन आ गया ते पावे च मारना ते मार दे सी। आखो सतनाम वाहे गुरु धनुष धुरंधर महाबली योद्धे बड़े होंदे पर धर्म दा योद्धा। चौथे लफज कहे सी प्रतापी सूरमा, पंजवें लफज छेवें पातशाह ने की कहे सी आजान बाहु। मैं दे अर्थ लबे जी बड़े, इहदे अर्थ ने बाहू दा अर्थ बावां, आजान बाहु तेरे घर एहो जिहा पोतरा होएगा जिहदियां बावां विच लखां बावां वर्गा बल होएगा। आखो सतनाम सिर्फ भावना लई भजन कीते आ भी किसे वेले मेरा भी बैक एयर लगदा है लगन लगे ते गुरु हरगोबिंद साहब तो पूरा कौन होएगा, गुरु हरगोबिंद साहब तो वड्डा कौन होएगा जिन्होंने खुद गुरु गोबिंद सिंह दे आगमन तो पहला ही रसना तो किड्डे वड्डे सत्कार वाले लफज बोल दिते। एक दो दलीलां होर एक बारी आओ प्यार मैं जावा बलधारी पंथ से बनली मैं जावा बलधारी पंथ से बनली अंदर बोले राजान राज हनान हां देवंदे उपमा महान ये वाहे कमन गुण कहिए गुरु गोबिंद सिंह जी ये वाहे कमन गुण कहिए बेसुमार बेन स्वामी तेरो अंत न किनगी लिये ये वाहे पुस्तने सब पूर्ण विवेक तू बेअंत को विरला जाने गुरप्रसाद को शब्द पिछाने तू बेअंत
ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੇ ਜਥਾ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਬੋਲੋ ਤੂੰ सब सब तरती हल चल पई छाड़े करबारा क्यों ऐसे धुंध कलेश में खपियो संसारा ते बिन सतगुर को है नहीं पै कटन हारा ते बिन सतगुर को है गे ऐसे खड़क दिखाएन को सके न चेला बाबा गोविंद सिंह आपे गुरु चेला गल चली सी पछाण की मैं भी पूरा नहीं पछाण च ढिल मठा वे तो छेवे पातशाह दे ए बचन याद कर उन्हें खुद वड्याई की गुरु गोबिंद सिंह दे आगमन तो पहले ही दूजा इतिहास पढ़िया मैं जदो नौवे पातशाह नु सुनिया पहुंचे इन्हों की बालक का अवतार हो सुने हो। दो सुने मैं पड़े जी दो सुने पहुंचे बालक का अवतार होया ते ना की रखी है ते महाराज ने पहला वचन किया गोबिंद ने भेजे ते गोबिंद राय ना रख दे आखो सा गोबिंद ने भेजे ते गोबिंद राय ना जेड़ा दूजा वचन वह भी साड़ी पछाण च भावना बना क्योंकि सिख कोल बैठे होंगे पुछते फिर महाराज बच्चा किवें कौन नौवें पातशाह ने आ बचन किया कहिंदे ए ओ बालक ने अवतार धारिया गुरु नानक साहब तो लैके जितने गुरु साहब गुरु नानक की गुरगद्दी ते होए ने सारे गुण इस बालक विच आउणे बोले सो निहाल एक आ भजन किया गुरु नानक तो जिनी जोत चली गई सारे गुरुआ वाले गुण इन्हां च होण अगली गल कही गुरु तेग बहादुर महाराज ने गुरु गोबिंद सिंह जी बारे असी ओ गल बोली जा रही भी छेवें पातशाह तो वड्डा तो कोई नहीं नौवें पातशाह तो वड्डा कोई नहीं अगली गल कही भी गुरु नानक तो लैके गुरगद्दी गुरु अंगद साहब गुरु अमरदास ये बालक वो है भी सारे गुरु साहबां दा जस प्रकाशन वाले होणगे आखो सतनाम
सारे गुरुआं दा जस इह प्रकाशन वाले हुण तीजी गल कहिंदे लाणा नहीं कोई बचन ना कर दे एक साध बचन अटलादा जदों सिजदे दी समाप्ति होगी ते कहांगे ते जदों फिर अखां खोलियां ते सारिआं कहा महाराज अज गलती लग गई अज पूरब वल सजदा उन्हां दा जवाब साडी भावना बणांदा पीर भीखण शाह ने की जवाब दिता कहण लगे भोले ओ गलती नहीं लगी ओ गलती नहीं लगी जिस पूरब वाले बन्ने आप धरती दे आया भोले सो निहाल सत श्री अकाल